जिनको थोड़ी सी भी लगन लग गई, जिनको थोड़ी सी भी भीतर की अनुभूति मिल गई, जिन्होंने थोड़ा सा भी भीतर की गुरु की कृपा का अनुभव किया, ऐसे युवा भाई साधक अपने समय की कीमत को जानते हैं, समय के मूल्य को पहचानते हैं। और युवा सेवा संघ का जो लक्ष्य है, युवा सेवा संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव ने की है कि आज भारत जो है उस भारत की 60 से 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। यूं कहो कि भारत अभी युवा है, और जो युवा होता है उसके पास जोश बहुत होता है, लेकिन जोश तो है लेकिन होश नहीं है। तो बिना जोश के जो होश है, अगर बिना होश के जो जोश होता है वो कई बार खतरनाक होता है। जिनके पास होश है वो उनके पास अब जोश नहीं रहा, लेकिन जिनके पास जोश है उनके पास होश नहीं है। लेकिन कोई होश में आए हुए महापुरुष, ऐसे जोश से भरे हुए जो युवा है, उन दोनों का अगर संगम हो जाए और वो महापुरुष उस युवा की सोई हुई चेतना को स्पर्श कर दे, चेतना तो स्पर्श कर दे अर्थात चेतना है लेकिन वो सोई हुई है, अंतर में युग युग से सोई, युगो युगो से सोई हुई है, उस चेतना को जगा दे तो फिर वो व्यक्ति साधारण नहीं रह सकता, वो असाधारण हो जाता है। नहीं तो कॉलेज में स्कूलों में पढ़ करके डिग्रियां तो कोई भी हासिल कर ही लेता है, लौकिक विद्या को प्राप्त करके और लौकिक जगत की विद्या को प्राप्त करके पेट पालने वाली विद्या नौकरी तो मिल ही जाती है। लेकिन बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने कईयों ने सुना, पूछते बापूजी तुम क्या करते हो, बोले नौकरी, छोड़ दो बोले नौकरी, नौकर बनने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। बापू बोलते जोबर बनने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम लाखों के जीवन को सवार सकते हो, करोड़ों के जीवन के भविष्य के निर्माता बन सकते हो। हम सब ने बापूजी की शरण ली, हम सब बापूजी की शरण में आए, लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों, तो हम सब के जीवन को बापूजी ने सवारा है कि नहीं सवारा, बोलो बोलो, भविष्य को सवारा, जीवन को सवारा। तो जब तक हमारे जीवन में उस आत्मा परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य और उनका संसर्ग और उनका संपर्क नहीं होता, तब तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं चलता। जैसे विवेकानंद स्कूल और कॉलेजों की विद्या तो पढ़ ली थी, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी, नौकरी के लिए कलकत्ता की सड़कों में नरेंद्र नामक युवक थक के कभी इस गली में कभी उस गली में, और नौकरी की तलाश करते करते भी थक चुके थे। तो एक दिन भूले भटके से रामकृष्ण परमहंस की शरण में पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखा, जैसे श्री आशा रामायण में आता ना, परम पिता ने, बोलो हम सब किसके संतान है, उस परम पिता परमेश्वर की। वेद कहते हैं अमृत पुत्र, तुम सब उस अमृत पुत्र हो, अमृत अर्थात मरने वाले नहीं है, उसकी संतान हो, तो अपनी महिमा को जाने। तो परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जर प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, ढाई दिवस ब्रह्मानंद छाया। होश ना आया ऐसा थोड़ी है,
मतलब क्या बेहोश नहीं आए, मतलब बेहोशी में चले गए थे। संसार जिसको होश समझता है वो वास्तव में बेहोशी है। देखा जाए तो संसार जिसको जागृत समझता है, शास्त्र और संत कहते हैं वो मोह की नींद में सोए हुए हैं। अभी हम यूं कह सकते हैं, अभी हम सब बताओ हम सब जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं, बोलिए ना, कौन कौन जागा हुआ, हाथ ऊंचा कर। कई लोग डर रहे हैं हाथ उठाने में, ठीक है भाई, जो जागे हुए उनके दर्शन कर लेना। हम तो जागे हुए अर्थात जागृत महापुरुष तो हमारे बापू जी ही हैं। हैं? कौन जागा है? कहते हैं मोह निशा सब सोबन हारा, मोह की नींद में सब सोए हुए, देखाऊं स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न चल रहा है, अभी मैं ये बनूंगा, अभी वो बनूंगा, तो मोह की नींद में सोए हुए। जागृत पुरुष कौन से के जागृत स्वप्न सुसुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद, मस्ती में रहते। तो ब्रह्मानंद की जो मस्ती है, भीतर का आनंद जिन्होंने पा लिया, जान लिया, मनुष्य जीवन का जो सार है, जैसे शरीर है तो शरीर का सार क्या है? महापुरुषों ने जो भी इस धरती पर आए उन्होंने उस सार को पकड़ा, जिससे बड़ा कोई तत्व नहीं, जिससे बड़ा कोई संसार में त्रिलोकी में कोई, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं, उस चीज को पाया और उसी चीज को पाने का जिन्होंने उद्देश्य बनाया, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं, वो सार है। यूं कहो शरीर में सार क्या है, बापूजी बताते शरीर में सार है इंद्रियां। अगर इंद्रियां ना हो तो व्यक्ति के लिए ये संसार निशार है। जैसे कोई बहरा व्यक्ति है वो संगीत को और शब्द को महसूस नहीं कर सकता, संसार का शब्द का सुख उसके लिए गायब है। अंधा व्यक्ति उसके लिए दृश्य का सुख गायब है, नहीं है? तो शरीर में इंद्रियां सार है और इंद्रियों में भी मन सार है। इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, और बुद्धि का भी सार क्या है? आत्मा है। लेकिन आत्मा का सार क्या है? परमात्मा है। या यूं कहो दूध, दूध का सार क्या है? मक्खन। मक्खन का सार क्या है? घी। तो दूध को ऐसे ही छोड़ दो तो फट जाएगा, तो दूध फटे ना उसके लिए क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं, लेकिन गर्म दूध भी कितनी देर रहेगा? वो भी फटेगा, तो उसको जमन डाल के जमा देते हैं, लेकिन जमा के ऐसे छोड़ देंगे तो भी खराब हो जाएगा। उसको मथ देते हैं, उसका सार तत्व मक्खन अलग निकाल देते हैं, छाछ को अलग कर देते हैं, उसकी खटास को अलग कर देते हैं, फिर और भी मक्खन में भी थोड़ी बहुत खटास बची तो उसको गर्म कर देते हैं, पूरी तरीके से उसकी खटास निकाल के उसका शुद्ध रूप जो घी होता है वो निचोड़ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं मनुष्य जीवन का निचोड़ क्या है? बीज में वृक्ष, तिल में तेल, बीज में वृक्ष, चकमक में आग, तेरा साइयां तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, जब घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली सुअर पशु पक्षी बने तब तो जागने की वार नहीं थी, अब है बार कि ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। और मानव चोला तो सबको मिला है, लेकिन देखो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जिनके जीवन में एक सदगुरु नहीं है तो उनको मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता, लक्ष्य भी नहीं पता, तो उनका मनुष्य जीवन पाकर भी वो निरर्थक ही अपने जीवन को गवा रहे हैं, व्यर्थ में खो रहे हैं आयुष्य को। लेकिन हम सब बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, या हम अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करें, धन्यवाद दें, प्रभु को बारंबार प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने हमें इस लायक समझा। उस भीड़ से, उन करोड़ों अरबों खरबों लोगों में से कुछ हमको
अलग समझा या हमें उन भीड़ से कुछ अलग कर दिया और उस भीड़ से अलग हटकर के एक नाम मिल गया? नहीं मिला नाम। हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी से हम क्या पूछते हैं? हम ये पूछते हैं, आप भी साधक हो क्या? बोलते कि नहीं? आपने भी किसी से पूछा होगा, कोई दिख गया, अच्छा आप भी साधक हो क्या? हाँ जी, हम भी साधक हैं। तो साधक नाम किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। साधक वो जो साधना के मार्ग पर चल रहा है, ईश्वर के मार्ग का जो पथिक हो गया है, ईश्वर का मार्ग का जो पथिक बन गया है। तो हम सब पुण्यशाली भाग्यशाली कि हमें अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में, तो ऐसे युवाओं को बापूजी ने चुना कि जिनके पास जोश है, लेकिन उन उस जोश को होश दे दे तो ये युवा क्या से क्या कर सकता है? क्या से क्या कर सकता है? बोलो सभी। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। ऐसे कैसे बदलेगा भैया, इतने धीमे धीमे बोलोगे तो है? आप जितने भी आए हो, आपकी आवाज आपके शहर तक पहुंचनी चाहिए, आपके जिले तक पहुंचना चाहिए, और बापूजी के युवा सेवा संघ की जो गूंज है ना, वो सारे विश्व तक पहुंचनी चाहिए। कोई कानपुर से आया तो कानपुर का युवा ऐसा बन जाए कि पूरे कानपुर, क्या पूरे कानपुर के जिले डिस्ट्रिक्ट आसपास सबको बापूजी के नाम से गुंजायमान कर दे, ऐसा युवा होना चाहिए। बोलो सभी एक सुर में, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। यहाँ इंसान गिर के भी संभल सकता है। तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है? तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है? जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है? जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है? कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरि ओम, 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 ओम ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।